हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। इसके ऊपर कई वीडियोस तो बनी हुई हैं यूट्यूब पे, मगर कोई प्रॉपर तरीके से नहीं बताया है कि इस प्रॉब्लम का सही सलूशन क्या है, है ना। सभी ने आपको बताया कि यदि आपके प्रिंटर के पाइप पे एयर आ जाती है हेड पे, ये देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी जैसे प्रिंटर पे इसके पूरे पाइप पे एयर आ गई है ना। तो बाकी सब वीडियो में क्या दिखाया है कि आपको ये ऊपर का ढक्कन निकाल के इसको सिरिंज से खींचना है, पाइप को एयर निकल जाएगी, है ना। मगर उसमें क्या होता है कि आपके हेड पे यदि इंक ख़त्म हो गई है तो उसके लिए क्या करोगे आप। तो उसमें भी दिखाया है कई वीडियो में कि आप सिरिंज से हेड पे इंक भर दें और पाइप से एयर निकाल दें तो कई बार ठीक हो जाता है, चलने लग जाता है। मगर इसका सही सोल्यूशन मैं आज आपको बताता हूँ। कभी भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है इस टाइप की, खासकर HP का स्मार्ट टैंक 500, ठीक है, इस प्रिंटर में, तो इसका सोल्यूशन कई बार ऐसा भी होता है, कई कॉल मेरे पास आए कि जैसे कई कस्टमर हैं हमारे भी, उन्होंने बोला कि हम कभी कोई कलर डालना भूल गए तो भी पाइप पे आ जाती है, है ना। यदि आप इंक जब पूरे टैंक में ख़त्म हो जाएगी उसके बाद यदि आप इंक डालोगे तो पाइप पे एयर आ जाएगी, है ना। फिर उस एयर को निकालो, उसके लिए फिर हाथ गंदे अलग करने पड़ते हैं, ये हाथों में इंक लग जाती है। मगर आपको बिना कोई झंझट के ये अपन करके आज आपको बताते हैं कि पाइप में से एयर कैसे निकालें सही सोल्यूशन। उससे एक बेनिफिट ये भी होगा, इस तरीके से जो मैं बताना चाहूँगा आपको, इससे आपका प्रिंट हेड में यदि इंक ख़त्म हो गई है तो भी वो चार्ज हो जाएगा, है ना। यदि हेड पे इंक एकदम जीरो हो गई है, हेड से इंक नहीं आ रही, पूरा ब्लैंक पेज आ रहा है, तो वो भी ठीक हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम, है ना। देखिए अभी प्रिंटर मैं चालू किया हूँ, हेड का कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि हेड में यदि कोई भी एरर नहीं आ रहा है तभी आपको ऐसा करना है, है ना। यदि आपका प्रिंट पूरा ब्लैंक आ रहा है तब आप ये जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करो। यदि कुछ लाइनिंग आ रही है प्रिंट आउट में, क्लियर नहीं आ रहा है, या एक दो पेज प्रिंट आते हैं मगर उसके बाद यदि कंटिन्यू प्रिंट निकालते हो तो फिर ब्लैंक पेज आने लग जाते हैं, तब आपको करना है ये सोल्यूशन। पहले कैनन और एप्सन और ब्रदर प्रिंटर के लिए तो था ही, अभी ये HP के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रिंट हेड की अभी स्थिति क्या है, है ना। तो एक मैं प्रिंट निकालता हूँ और एक टेस्ट प्रिंट देते हैं अपन आपको दिखाने के लिए। एक्चुअली ये प्रिंटर पूरा रिपेयर किया हुआ है, कंप्लीट है, ये मैं आपको बताने के लिए इसमें से मैंने वापस से पाइप पे एयर लेकर आया हूँ कि मैं आपको बता सकूँ। एक वैसे मैं प्रिंटर निकाल के दिखा देता हूँ, ये जो आई वाला बटन है इससे अपन एक इसका टेस्ट प्रिंट निकालेंगे। इसको आपको कंटिन्यू दबा के रखना है और फिर छोड़ देना है। ये देखिए अभी ये प्रिंट आउट आ गया है, है ना। सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, पूरे प्रॉपर कलर आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो भी यदि आपके पाइप पे एयर आ रही है तो आप इसको ठीक कर सकते हो। ये देखिए सब सही है। यदि आपके इसमें मान लीजिए आप टेस्ट प्रिंट निकालते हैं, मैं सियान नहीं आ रहा है, मेजेंटा कटा टाइप का आ रहा है, येलो आई नहीं रहा है, ब्लैक भी नहीं आ रहा है, ये प्रिंट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो भी ये इंक चार्ज करने से, हेड इंक चार्ज करने पे ये ठीक हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा 25 से 30 मिनट। यदि आपको याद होगा जब आपने ये प्रिंटर पहली बार परचेस किया होगा तो भी ये इंक चार्ज, जब हेड इंक चार्ज करता है तो 25 से 30 मिनट ले लेता है, है ना। तो आपको इंतज़ार करना है, ये आपका हेड पूरा राइट साइड आ जाएगा और हल्की सी बीप बीप करके आवाज़ आएगी, उसको आपको कंटिन्यू होने देना है, कुछ भी छेड़ना नहीं है, क्योंकि HP के प्रिंटर के डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आता है कि आपका प्रिंट हेड चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा सा बस आवाज़ सुन के देखना पड़ेगा, है ना। देखिए प्रिंटर को आपको ऑफ कर लेना है, जब अच्छे से ऑफ हो जाएगा, ठीक है, पावर ऑन में ही डायरेक्ट पावर केबल आपको निकाल देना है, यहाँ से बटन से ऑन ऑफ नहीं करना है, ठीक है। और फिर आपको सबसे पहले ब्लैंक पेज लगा लेना है, ठीक। ब्लैंक पेज लगाने के बाद आपको पेपर वाला बटन और ब्लैक फोटोकॉपी वाला बटन लगातार प्रेस करके रखना है और पावर केबल लगाना है,
जैसे पावर केबल लगाएंगे आपको इंतज़ार करना है। अभी तक आपको ये बटन प्रेस करके ही रखना है, छोड़ना नहीं है। बस ये देखिए आ गया आपका CMY, ये दोनों हेड दिखा दिया, बहुत बढ़िया इंस्टॉल हो गए। अब आपको छोड़ देना है। अब ये जो पेपर में लाइट जल रही है, पेपर बटन वाली लाइट जल रही है, इसको जलने देना आपको कंटिन्यू। अब आपको क्या करना है, ये जो पेपर वाली लाइट है, पेपर वाला जो आपका बटन है, इसको एक बार प्रेस कर देना है। वेट करिएगा, एक बार अपन फिर से प्रेस कर देते हैं। अब ये लेमन पेज निकालेगा, यहाँ पे देखिए ए लिखा आ गया ना डिस्प्ले पे। अब ये प्रिंट अलाइनमेंट करेगा, ये प्रिंट आ गया। ये जो प्रिंट अलाइनमेंट का पेज निकलेगा, इसको आपको स्कैन नहीं कराना है। मैं भी आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ये देखिए ये आपका पेज निकल गया है ना, इसको आपको स्कैन नहीं कराना। अब देखिए ध्यान से आवाज़ सुनिए, आपके हेड में से आवाज़ आ रही है, और ध्यान से देखिए, देखिए इंक कैसे ये हेड इंक चार्ज हो रही है आपकी ना, हेड इंक चार्ज कर रहा है। ये देखिए ये जितनी प्रिंटर पे एयर है ना, ये सब निकल जाएगी। ये देखिए यदि आप प्रिंटर पे इंक ख़त्म होने के बाद डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये 25 मिनट तक आवाज़ करता रहेगा बीप बीप करके, ये जो आवाज़ आ रही होगी आपको, और हेड आपका पूरा राइट साइड आ जाएगा। बस आपको इंतज़ार करना है, आप 25 मिनट तक इसको आप छोड़ दो, ठीक है। और जो प्रिंट अलाइनमेंट का पेज निकला है, उसको आपको स्कैन नहीं कराना है, ठीक है। बस इसको आप कंटिन्यू चलने दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए कितने अच्छे से इंक चार्ज हो रही है। अभी मैं जल्दी ही जो HP के ओल्ड मॉडल हैं 5810, 5820, 316, 319, 416, 419, इनके ऊपर भी मैं ये वीडियो लेकर आने वाला हूँ जल्दी।
उस पे भी सेम प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। देखिए बीप बीप कैसे आवाज आ रही है ना। ब्लैक कलर जो है पूरा इंक चार्ज हो गया है, ब्लू मेजेंटा और सियान, सियान मेजेंटा येलो बचा है। ये प्रोसेस करने से यदि आपका हेड ब्लॉकेज है ना, तो वो भी ठीक हो जाएगा। कई प्रॉब्लम जो हैं आ रही हैं कि प्रिंट, एक दो प्रिंट अच्छे निकलता है, एक दो प्रिंट साफ निकल रहा है, उसके बाद यदि आप कंटिन्यू प्रिंट दे रहे हैं तो उसमें लाइनिंग आ रही है, ब्लैंक आ रहा है, तो ये सब दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। YouTube में तो कई वीडियो ऐसी डली हुई हैं प्रिंटर से, प्रिंट पाइप से एयर निकालने की, मगर उसमें हाथ गंदे हो जाते हैं और सही तरीका भी नहीं है वो। ये फार्मूला से आप अपने कस्टमर को आप बता सकते हो, जैसे आप HP, जैसे आप कैनन और ब्रदर और एप्सन के प्रिंटर में हेड क्लीन करते हैं ना, सेम फार्मूला वही है, आप इसमें भी कर सकते हो। HP के स्मार्ट टैंक 500 सीरीज से जितने अभी तक के स्मार्ट टैंक वाले प्रिंटर आ रहे हैं, बस कुछ जो स्मार्ट टैंक के और भी प्रिंटर हैं उनके थोड़े से फॉर्मूला अलग हैं। तो यदि आपको कुछ, आपके पास कोई स्मार्ट टैंक का कोई मॉडल होगा जिसमें आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही होगी, तो नीचे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन दे दूंगा, कमेंट्स में ही बता दूंगा मैं आपको कि आपको कैसे करना है उसको, है ना। ये देखिए येलो मैजेंटा सियान ब्लैक, ये चारों आपके पूरे प्रॉपर पूरे पाइप में एयर ख़त्म हो गई है। देखिए दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये देखिए अभी भी आप सुन रहे होंगे लगातार आवाज़ आ रही है, तो आपको कंटिन्यू चालू रखना है ना, ये कंटिन्यू चलने दीजिएगा। वीडियो आज बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मगर कुछ ऐसा टॉपिक ही था कि दिखाना ज़रूरी था। ये देखिए आपका प्रिंट हेड चार्ज हो गया, अभी ये अपने हेड को क्लीन कर रहा है नीचे। अभी फिर से ये हेड क्लीन किया है और फिर से कंटिन्यू चार्जिंग में लग गया ये, तो इसको आप चार्ज होने दीजिए कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको आवाज़ से ही पता चलेगा कि इंक चार्ज हो रही है, ये देखिए, क्योंकि इसमें HP के प्रिंटर में क्या है ना, कहीं इंडिकेट नहीं आता, ना आपके पावर ऑन ऑफ वाले में इंडिकेट आएगा, ना यहाँ पे कहीं डिस्प्ले में शो करेगा, आपको ऐसे बस कान लगा के आवाज़ सुनना है। यदि आपका हेड जो है प्रिंट हेड जो आपका राइट साइड पर आ जाता है ना, क्योंकि राइट साइड पर ही क्लीनिंग करने का पूरा वेस्ट सिस्टम दिया हुआ है इसका, यदि वहाँ पे आ जाता है और ये ऐसी आवाज़ आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका प्रिंट जो आपका हेड है इंक चार्ज कर रहा है। ये मेरे कस्टमर का प्रिंटर था जिसको मैंने पूरा कंप्लीट तैयार कर दिया था, मगर आपको दिखाने के लिए मैं इसमें पाइप में एयर लेकर आया और दिखाना चाहता था कि आपको ये, यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है इस प्रिंटर में, इस सीरीज के प्रिंटर पर, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अभी भी कंटिन्यू चार्ज कर रहा है ये।
बहुत अच्छे से इंचार्ज हो गई है। वीडियो में इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पूरी प्रोसेस एक बार दिखा दूँ, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, मगर मैं चाहता हूँ कि पूरी वीडियो बना के अच्छे से आपको जस्टिफाई कर दूँ कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या प्रोसेस होगी उसकी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करिएगा कि आपको 58 10, 58 20, 319, 316, 319, 416, 419 के ऊपर भी वीडियो हेड इंचार्ज की चाहिए तो आप बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही वीडियो मैं आपको लेकर आऊँ आपके लिए। HP इंकजेट सीरीज़ के ऊपर आपको यदि वीडियो पे इंटरेस्ट है या आपके पास है HP के प्रिंटर इंकजेट जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है पेपर जाम की, पिकअप असेंबली की, है ना, तो आप उसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके लिए जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। देखिए अभी भी कंटिन्यू हेडिंग चार्ज कर रहा है, आवाज़ सुन सकते हैं आप। कि जब तक ऐसी आवाज़ आती रहेगी तब तक ये आपका हेड चार्ज हो रहा है। देखिए डिस्प्ले पे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है ना, कोई मैसेज नहीं आएगा, ये देखिए। देखिए यहाँ से पूरा हेड को ये इससे ये पूरा क्लीन करता है हेड के नीचे, ये 2 बार अभी कर चुका है, अब 3री बार में ये लास्ट होगा इसका। HP स्मार्ट टैंक के जो प्रिंटर हैं बहुत अच्छे प्रिंटर हैं, फोटोकॉपी बहुत फास्ट और बहुत क्लियर होती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इंक वेस्ट नहीं करता ये प्रिंटर। अभी जैसे अपन इंक चार्ज कर रहे हैं तो इंक भी ये ज़्यादा वेस्ट नहीं करता, नहीं तो बाकी आप देखे होंगे कैनन एप्सन में इंक वेस्ट बहुत करता है। ब्रदर का भी प्रिंटर बहुत अच्छा है, उसमें भी इंक वेस्टेड लगभग मान के चले 0% है, क्योंकि बहुत ही कम इंक लेके आपका प्रिंट हेड क्लीन करता है वो। उसी प्रकार HP का प्रिंटर है स्मार्ट टैंक,
देखिए देखिए, एक बार फिर से प्रिंट हेड चार्ज होने लग गया फिर से। मैंने भी इसको फोटोकॉपी का कमांड दिया था कि मैं चाहता था कि ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना हो, मगर वो 3 बार अटैम्प्ट लिया पेपर खींचने का, मैंने कैंसिल कर दिया। ये फिर से कंटिन्यूइंग चार्जिंग में चालू हो गया ये। अब ये पूरा प्रॉपर तरीके से जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं प्रोसेस। तो आप इसको जब भी करें तो टाइम निकाल के करिएगा, ठीक है। अब ये जब आपका इंक चार्ज हो जाएगा उसके बाद ही आप फोटो वोटो कॉपी करना चालू करिएगा, बीच में कुछ नहीं करिएगा, इसको बस करने दीजिएगा। ये जो प्रोसेस हो रही है कंप्लीट होने दीजिएगा। अब यदि इस प्रोसेस को आपको बीच में ही काटना है, कैंसिल करना है, अब जैसे ये मैं इसको कर चुका हूँ कई बार पहले भी, आपको दिखाने के लिए किया था। देखिए मेरे ख्याल से ये हो भी गया है, एक बार देखते हैं कि कंप्लीट हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए सर, ये पूरा कंप्लीट हो गया पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब मैं आपको एक ब्लैंक पेज लगा के प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने पेज लगा दिया है, आई वाला बटन दबा के रखना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है और फिर छोड़ देना है। पावर वाली लाइट आपकी बंद चालू होने लगेगी। ये देखिए, ये मेरा एक प्रिंट टेस्ट निकल चुका है। ये देखिए ये आ गया। अच्छा, अब यदि आप बोलेंगे कि ये जो पहले प्रिंट निकला था अपने को इसको स्कैन कराना है कि नहीं कराना, स्कैन तब कराना है आपको जब ये हेड क्लीन हो जाएगा प्रॉपर, हेड इंक चार्ज हो जाएगा प्रॉपर, और जब आपका प्रिंटर लेफ्ट राइट साइड आ जाएगा प्रिंट हेड, उसके बाद आपको क्या करना है। यदि आपको लगता है कि आपका प्रिंट में यदि कोई प्रिंट दे रहे हैं तो उसमें कुछ अक्षर हल्के से टेढ़े आ रहे हैं, प्रिंट सही नहीं आ रहा है ना, कलर पूरे प्रॉपर आ रहे हैं मगर प्रिंट सही नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तब आपको प्रिंट हेड क्लीन हेड अलाइनमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये आपका जो पेपर वाला बटन है इसको लॉन्ग प्रेस तक दबा के रखना है, ये ए लिखाएगा, और फिर आपको जल्दी से ब्लैंक पेज लगा देना। यदि आप हेड इंक चार्ज होने के बाद ये कर लें तो बहुत अच्छी बात है, जब भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ऐसा करना है। इससे आपका क्या प्रिंट हेड जो है पूरी तरीके से अच्छे से अलाइनमेंट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
आगे की प्रिंट निकला है, मैं इसको स्कैन करा लेता हूँ। ये देखिए, अब आपको कलर वाला बटन दबा देना एक बार। आपको इसमें 2 मिनट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, बस 1 से 2 मिनट। आपका जो ये प्रिंट निकला है पूरा स्कैन करेगा, स्कैन हो चुका है। ये देखिए, ये आपका 00 आगे लिखा और पावर वाली पर जो बटन है, जो उसकी लाइट है, लगातार इंडिकेट कर रही है, लिप लिप नहीं हो रहा है, तो मतलब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ना। अब इस पेपर को आप निकाल सकते हैं और प्रिंटर को आप कंटिन्यू यूज करिए, कोई कहीं दिक्कत नहीं, प्रॉपर तरीके से इंचार्ज हो गई है। अच्छे से बंद करके आप ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पे। आज हम लेकर आए थे आपके लिए HP SmartTech 500 प्रिंटर को लेकर आए थे आपके पास, जिसमें टाइप पे एयर आ जाती है, प्रिंट ब्लैंक आता है, उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आया था आपके लिए, जो ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय।